चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। हमारे पंचील में कम से कम 10 से 12 नाले हैं, जो कुछ नाले हाथ के हैं और कुछ नाले जेसीबी द्वारा निकलाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ नाले हमारे जेसीबी द्वारा हाथ से निकलाए दिए गए हैं और कुछ नाले जेसीबी द्वारा निकलाए जा रहे हैं, जिसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और प्लस गणेश गुआड़ी का नाला जेसीबी द्वारा निकाल दिया गया है। उसके बाद हमारे ये मेन रोड ड्राइवर एजेंसी के यहाँ पर नाला निकलवाया जा रहा है। टोटल कितने नाले? टोटल 10-12 नाले हैं। पूरे साफ हो गए? हाँ, साफ कराए जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल पंचशील गणेश गुआड़ी में रहता हूँ। हाँ। और हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से नाले ब्लॉक थे, क्षतिग्रस्त थे, नालों का पानी सड़क पर आ रहा था। पार्षद जी से निवेदन किया गया और उन्होंने पूरी व्यवस्था कर सभी नालों को करीब करीब साफ करवाया है। जमादार जी को कहकर सफाई की व्यवस्था वापस सुचारू करवाई है, कचरा निकाल दिया गया है। जो क्षतिग्रस्त नाले हैं उनके लिए उन्होंने भी आगे एप्लीकेशन दी है और जल्दी से जल्दी वो भी सही करवाएंगे। उन्होंने मौके पर खड़े रहकर सभी कार्य करवाया है, कल भी वो मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस तरह की हालत है नाले? अभी तक काफ़ी बिगड़ी हुई हालत है और क्षतिग्रस्त थे सभी नाले, ब्लॉकेज थे, तो वो जेसीबी द्वारा हटाया गया है ब्लॉकेज, कूड़ा कचरा बाहर निकाला गया है। टाइम बाद में साफ हुए नाले? नाले करीबन 1 से 1.5 साल बाद में आज साफ हुए हैं और अब रेगुलर होंगे, यही कोशिश रहेगी। अपन देवेश गोयल, गणेश गोयल। किस तरह का अभियान चला रहा है आपने वार्ड के अंदर? भाई साहब, बरसात के मौसम को देखते हुए वार्ड के अंदर जो जो नाले थे, बड़े नाले जहाँ पर की झाड़ियाँ और काफ़ी समय से इनकी सफाई नहीं हुई विगत एक वर्ष से, उन सब का हमने नंबर लिया है और विगत 20 दिनों से हम इस क्रम के अंदर लगे हुए हैं। हमारी निगम की टीम लगी हुई है बरसाती नालों को साफ करने के लिए और इन नालों को साफ करा जा रहा है और जिससे कि क्षेत्र के अंदर बरसात के अंदर ऐसी कोई जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से जो है यहाँ पर हम जेसीबी के द्वारा जो बड़े नाले हैं जिनके अंदर मलबा बहुत समय से हटा पड़ा हुआ है, झाड़ियों में भी काफ़ी पत्थर भी पड़े हुए हैं, उनको निकलवा करके ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैकिंग ग्राउंड तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की हालत हो रही है सर नालों के? नाले वैसा इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी समय से कार्य नहीं हो पाया है तो नाले काफ़ी ब्लॉक हैं, बंद हैं, पेड़ पौधे हो गए, काफ़ी मलबा उनके अंदर जमा है, तो प्रयास है कि इन सबको क्लीन कराया जाए जिससे कि बरसात के अंदर पानी इकट्ठा ना हो और किसी के निवास के अंदर पानी ना उसे। अच्छा भाई साहब जी, नाले कई मतलब क्षतिग्रस्त हो गए, इसके लिए क्या करोगे आप? जी वैसा इसके लिए मैंने UIT को एक वैसे पत्र लिखा है, उनको कहा है, आग्रह कराया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर UIT ही एक प्रधान संस्था है जो कि निर्माण के अंदर रहती है, तो हमने उनको आग्रह भी कराया। मैंने उनको जो जइए ने रघु जी उनको भी मैंने उनको कहा है कि सर जो बरसाती नाले टूट गए हैं उनको रिपेयर कराया जाए, अब समय कम है क्योंकि हमें भी आए हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है, तो निश्चित रूप से भविष्य के अंदर इन जो जहाँ जहाँ से नाले टूटे हैं उनको चिन्हीकरण करके और हम आग्रह करेंगे ADA से कि नालों को ठीक कराया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अतीश माथुर, पार्षद, वार्ड क्षेत्र, पंचायत।